Let's start with the sixth question. It says that in figure AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD is equal to angle EAC. कुछ चीज़ें हमें बहुत इजीली गिवन होती हैं कई बार, बट वी कैन राइट इट डायरेक्टली, क्योंकि वो ट्राइंगल का पार्ट होना चाहिए जिस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हो. जैसे अभी इस केस में हमें बोला गया कि शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई. लेकिन यार आपको ये सोचना होगा कि हम कौन से दो ट्राइंगल्स कंसिडर करें जिसमें बी सी भी है और डी ई भी है, ताकि आप उन दोनों को ही कॉन्ग्रेंट करो और सी पी सी टी से प्रूफ कर दो. ये तरीका है इसका. तो पहले तो ये गिवन पार्ट्स जो हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं. क्यों नेसेसरी हैं? क्योंकि इन्हीं से हमें कॉन्ग्रेंसी प्रूफ होगी. लेकिन अब आपने ये नोटिस करना है इस केस में यहाँ पे कि ज़रूरी नहीं है कि यही गिवन पार्ट यूज़ होंगे और उसी को हमें यूज़ करना है टू प्रूव द कॉन्ग्रेंसी. ज़रूरी नहीं है. जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आई विल बी यूजिंग ट्राइंगल ए बी सी एंड आई विल बी यूजिंग द अदर ट्राइंगल विच इज़ ए डी ई. क्यों यूज़ कर रहे हैं ए बी सी और ए डी ई में? क्यों? इसलिए क्योंकि ए बी सी में मेरा बी सी एग्जिस्ट करता है और डी ई मेरा ए डी ई में एग्जिस्ट करता है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग दीज टू ट्राइंगल्स. तो सबसे पहले आई कैन यूज़ द गिवन पार्ट हेयर एज ए सी इज इक्वल टू ए ई. अब ए सी और ए ई को क्यों यूज़ किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि ए सी किसका पार्ट है? ए बी सी का पार्ट है. और ए डी ई का पार्ट कौन है? ए ई है. सो एज वी कैन सी दे बोथ आर इक्वल, सो आई कैन राइट इन द अंडर द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई. ठीक है, ये वाला स्टेप तो हमारा ख़त्म हो गया. अब दूसरा स्टेप, दूसरी चीज़ क्या लिखें हम इसमें यहाँ पे? तो यार हम बी ए डी और ई ए सी नहीं लिख सकते, क्योंकि जो ट्राइंगल मेरा है, मेन ट्राइंगल जो है वो ए बी सी है. तो ए बी सी में पूरा बी ए डी तो आ नहीं रहा और एंगल ई ए सी भी इसका पार्ट नहीं बन रहा दूसरे वाले ट्राइंगल का जो हमने लिया है. कौन सा लिया है? ए डी ई. अब मेरे को ये कोशिश करनी है कि दोनों में कुछ ऐसा ऐड हो जाए ताकि हमारे दोनों का एंगल एग्जिस्ट करे ए बी सी में और ए डी ई में. तो इसमें एक छोटा सा अगर ट्रिक है कि बीच में एक ट्राइंगल है जो कि दोनों के कॉमन है. ये वाला, ये देखो ए सॉरी डी ए सी. अगर मैं डी ए सी दोनों में ऐड करूं तो देखना कि क्या बदलाव आता है. दोनों तरफ मैं क्या कर रही हूँ? डी ए सी ऐड कर रही हूँ. अब ध्यान से देखना, अगर बी ए डी में आप बी ए सी ऐड करोगे तो वॉट वैल्यू यू विल गेट इज बी ए सी. आपको एंगल क्या मिल जाएगा? एंगल बी ए सी. अब यहाँ पे अगर आप देखो इस तरफ, तो ये पूरा बन गया ना, और ये इसका नाम क्या आ जाएगा? ई ए डी. जो बी ए सी है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्राइंगल ए बी सी में. और जो ई ए डी है वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है? ट्राइंगल ए डी ई में. तो वॉट यू विल राइट इज बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी. तो क्या लिखोगे इसमें आप? दैट प्रूव्ड फ्रॉम, इसको इक्वेशन वन लिख देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. इसको आपने साइड पे करके दिखाना है कि हाँ हमने उसको इक्विवेलेंट प्रूफ किया. इसमें कोई गलत बात नहीं है कि डी ए सी हमने दोनों तरफ ऐड किया और हमारे पास दो न्यू एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है, क्योंकि हमें यार कोशिश ये करनी होती है कि ऐसे पार्ट्स ले कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एग्जिस्ट करें. ठीक है, अब थर्ड चीज़ आपकी क्या आ जाएगी? ए बी इज इक्वल टू ए डी. ये तो दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है ना. जैसे ए बी सी में ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और ए डी में ए डी एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये भी गिवन हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द कॉन्ग्रेंसी हियर? इट इज एस ए एस कॉन्ग्रेंसी. ठीक है, एस ए एस कॉन्ग्रेंसी से दे आर कॉन्ग्रेंट. नाउ आफ्टर इट व्हाट यू कैन राइट इज बी सी इज इक्वल टू डी. कौन सी प्रॉपर्टी है यार? अगेन बाय सी पी सी. सो यस, दिस इज द आंसर फॉर द सिक्स्थ वन. नाउ विल बी मूविंग टू अदर क्वेश्चन.